नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ जो राइजन का प्रोसेसर है राइजन 2200G, जो इसका वेगा ग्राफिक है, अगर वो आपके कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इस समस्या को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मतलब राइजन का 3 और राइजन 5 अगर दोनों का वेगा ग्राफिक आपके कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इस समस्या का क्या समाधान है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको इसमें देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पहली बात ये जान लीजिए, जो ये प्रोसेसर है राइजन का, जो जो विंडोज़ का वर्जन है 1803 के जो ऊपर ऊपर वर्जन है उसी को सपोर्ट करता है। यानी अगर आप राइजन का प्रोसेसर लेकर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो आपको कम से कम 1803 से ऊपर जो आप इसको अपडेट करेंगे ना, तो भी आपको जो वेगा ग्राफिक है वो सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए, विंडोज 10 को अपडेट कीजिए और उसको 1803 तक अपडेट करने के बाद में वेगा ग्राफिक चल सकते हैं। पहला काम ये कीजिए। दूसरा काम ये कीजिए, जो वेगा ग्राफिक है उसका जो वीडियो ड्राइवर वो इंस्टॉल कीजिए। तो वो उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको हम दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो हम जो AMD के साइड है उस पर जाकर उसको ऑटो डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और दूसरा उसको हम मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर उसको ऑटो डिटेक्ट कीजिए या मैनुअल डाउनलोड कीजिए। और एक और बात ये नोटिस करना कि जब आप वीडियो ड्राइवर इंस्टॉल करें ना, तो पहले विंडोज़ का 1803 वर्जन इंस्टॉल कर ले, उसके बाद में वीडियो ड्राइवर इंस्टॉल करें। ये दो काम करने के बाद में 90% आपका प्रोसेसर चल जाएगा और प्रोसेस क्या वो वेगा ग्राफिक चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं चले तो तीसरा काम ये कीजिए, जो आपका मदरबोर्ड है, तो देखिए मदरबोर्ड को सबसे पहले आपको उसको इंस्टॉल करना है चिपसेट को। जब कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे हैं सबसे पहले मदरबोर्ड को करना है, उसके बाद में विंडोज़ को करना है, उसके बाद में वीडियो ग्राफिक करना है। तीन काम कर लीजिए। फिर चौथा काम कीजिए, जो बायोस है उसको अपडेट कीजिए। अब बायोस को अपडेट कैसे करते हैं दोस्त, देखिए कुछ कंप्यूटर में बिल्कुल सरल काम है, उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर तो वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुछ कंप्यूटर के अंदर तो मुश्किल काम है। तो देख लो आपके कंप्यूटर सरल काम है या हार्ड काम है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये चार काम कीजिए, ठीक है। चौथा काम करने के बाद फिर भी नहीं चले तो आप विंडोज़ को चेक कीजिए कि आपको जो विंडोज़ है वो करप्ट तो नहीं है। देखिए ये चेक कैसे करते हैं, इस पर हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, तो मैं उसको लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको विंडोज़ करप्ट है तो भी वेगा ग्राफिक नहीं चलेगा। उसके बाद कंप्यूटर हेल्थ चेक कीजिए, आपकी हेल्थ सही है कंप्यूटर की या हेल्थ को रिपेयर कीजिए, ठीक है। उसका भी मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें कैसे कैसे चेक करते हैं। इन पांच चीज़ों को चेक कीजिए। इन पांच चीज़ चेक करने के बाद में अगर आपका वेगा ग्राफिक चल जाना चाहिए, ठीक है, अगर फिर भी नहीं चले तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको दोस्तों पांच चीज़ आपने नोटिस कर ली। सबसे पहले विंडोज 10 को अपडेट करना है 1803 से, इतना वर्जन होना चाहिए। वैसे तो अभी लेटेस्ट 18.1809 चल रहा है, लेकिन 18.3 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और 18.3 के बाद में वीडियो ड्राइव अपडेट कीजिए, बायोस अपडेट कीजिए और विंडोज़ को चेक कीजिए आपका करप्ट तो नहीं है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो आपका, देखिए दोस्तों एक और बात ध्यान कीजिए, जो आपका वेगा ग्राफिक है ना, पहले सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो आपके जो कंप्यूटर है उसमें है भी या नहीं है। चेक कैसे करना है, देखिए सबसे पहले डिस्प्ले अडोप्टर में जाइए। देखिए मैं साइड में एक वीडियो बता रहा हूँ, इसमें देखिए आप डिस्प्ले अडोप्टर में जाइए, वहाँ पर चेक कीजिए। अगर आप वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक अडोप्टर बता रहा है, इसका ये मतलब है कि आपके वेगा ग्राफिक इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। अगर आप वहाँ पर वेगा ग्राफिक लिखवा रहा पीला रंग का आ रहा है तो आपका वो ढंग से इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर पीला रंग का आ रहा है ना तो आप उसको अपडेट कीजिए, वहीं से अपडेट कीजिए, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने बता दिया अपडेट करना, ठीक है। और उसके बाद में अगर वहाँ पर हो गया, उसके बाद में आप उसमें जाइए टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में जाने के बाद में आप वहाँ पर क्लिक कीजिए ऐप परफॉर्मेंस में, वहाँ पर आपका GPU दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं दिखा रहा है तो आपका वहाँ पर वेगा ग्राफिक इंस्टॉल नहीं हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको पांच चीज़ें बताई, अगर पांच चीज़ों करने के बाद में आपका 99% आपका जो वेगा ग्राफिक है वो आपका विंडोज 10 का सपोर्ट कर लेगा। और एक और बात नोटिस कर लीजिए या जान लीजिए, जो ये राइजन का प्रोसेसर है ये 64 बिट को ही सपोर्ट करते हैं। अगर आप विंडोज 7 का चला लेंगे ना तो इंस्टॉल तो हो जाएगा, सॉरी 32 बिट विंडोज 10 इंस्टॉल कर देंगे ना तो ये इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन वो जो इसका ड्राइवर वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले विंडोज 10 इंस्टॉल कीजिए, 64 बिट इंस्टॉल कीजिए, 1803 से वर्जन अपडेट कीजिए। ये काम कर लीजिए, आपका प्रोसेसर चल जाएगा। अगर नहीं चले तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।